ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها يا ايها يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बुजुर्गो दो अजीज साथी और पर्दा नशीन माओ बहनों आज के इस खुतब जुमा को मैं अल्लाह तबारक वत्या की सना से शुरू करता हूँ कि हर तरह की सना, के सना बड़ाई और किबरियाई खालिस्तन अल्लाशरी के लायक और जेबा है जिसके कब्ज़ कुदरत में इस कायनतों का जर्रा जर्रा है और जो उसी के हुक्म से बदलते हैं ये मौसम उसी के हुक्म से बरसते हैं ये बादल الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اسم الله حمد بعد بشمار درد و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکت اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بزرگو دوستو عزیز ساتھیو आज के इस खुतब जुमा में चंद अहम बातें लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ दर हकीकत यह जुमा जो एक बाबरकत दिन है यह जुमा जिसकी इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत और फज़ीलत आई है यह जुमा एक ऐसा दिन है जिसको हर आम व खास मुसलमान मस्जिद को तशरीफ़ लाता है कोई हर वक्त नमाज न पढ़ता हो कोई हर रोज़ पाँच वक्त की नमाज़ें न पढ़ता हो लेकिन वो जुमा के दिन सफ़ेद कपड़े पहनकर गौसल कर कर मस्जिद को ज़रूर तशरीफ़ लाएगा ये जुमे की अहमियत इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत के साथ बताई गई है दर हकीकत हमारी ज़िंदगियों के अंदर दीन इस्लाम दीन इस्लाम का तस्वुर जैसे होने चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा है ये दीन इस्लाम के मामलत ये दीन इस्लाम के अहकाम ये दीन इस्लाम के मामल ये दीन इस्लाम के मसाइल हम उस अंदाज में नहीं ले पा रहे हैं जिस अंदाज में हमें लेना चाहिए गर्ज एक रस्मी तौर पर हम मुसलमान होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन हमारी घर की औरतें हैं बुरख़ा इस वजह से पहनती है कि घर की इज्जत ना उछल जाए इस वजह से नहीं पहनती कि रब का हुक्म है नबी का फरमान है कई लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिदों को इस वजह से आते हैं कि हमें भी मुसलमान कहा जाए कई लोग दीन इस्लाम के मामला पर इस वजह से अमल कर रहे हैं कि बस हमारे बाप दादा भी इस पर थे हम भी इस पर हैं दर हकीकत ये जुम्मा और इस जैसे सारे मसाइल फजीलत वाले जो दीन इस्लाम के अंदर है वो उस तरह से नहीं लिए जा रहे हैं

जितने लोग खुतब जुमा में शुरू से हाजिर होते हैं अगर लगातार 12-15 जुमे वो इस खुदब मसरूना को सुन लेंगे तो उनकी जबानों पर भी ये जुमला आ जाएगा उन्हें भी ये खुतब मसरूना याद हो जाएगा वो सुनेंगे खतीब के अल्फाज दोहराने से पहले वो खुद अपने आप में दोहराएंगे उनके जी में दोहराएंगे कि खतीब साहब अब कहने वाले हैं फईन खैर हदीफी किताबुल्लाहन सल्लाम मालूम है सबके जहनों के अंदर यह बात है खुदबा जुमा समात फरमा रहे हैं यह अरबी खुतबा चाहे जो उनमान मुखर्रे ले ले चाहे नमाज के ऊनवान पर खुतबा हो चाहे रोजे के उनवान पर खुतबा हो चाहे जिहाद के केन पर खुतबा हो चाहे खतीब का जो कुछ हो तो लेकिन वो अपने खुतबे जो उर्दू खुतबा होता है उससे पहले खुतबे मसनूना जरूर पड़ता है क्या आपने कभी कोशिश की है क्या आपने कभी जस्तु की है कि हर खुतबे में हर मस्जिद में उनवान जो हो मसलक जो हो हर मस्जिद के मीनारों से हर मस्जिद के अंदर से खतीब आवाज लगाता है व व आखिर आखिर इसका इसका माना क्या है इसका मतलब क्या है आखिर ऐसी क्या वजह है कि जनाबे मोहम्मद जब भी कोई तकरीर करने का मामला आता जब भी कोई वाजो नसीहत का मामला आता जब भी कोई हाजत आती अल्लाह के नबी खड़े होते और ये खुदबे हाजा पढ़ते ये खुदबे मसरूना पढ़ते हमने हजार हा मरतबा खुतबे को सुना होगा ये अरबी अल्फाज हमें याद हो चुके हैं हमारे बच्चे बच्चे अल्फाजों को दोहराते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है अफसोस तो थो 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 तो इस तो बात का तो तो है गम इस बात का है हमने जुस्तजू नहीं की हम रस्मी तौर पर मुसलमान होते चले जा रहे हैं हमने इस बात पर गौर नहीं किया आखिर यह खुतबा क्यों पढ़ा जाता है आखिर आखिर इसका इसका क्या क्या है है मतलब क्यों आखिर अल्फाज लिखे गए हैं क्यों अल्फाज मसनूना में रखे गए हैं आइए इनशा आज के इस जुमा में सबसे पहले खुदब मसनूना का तर्जुमा आपको सुनाऊंगा फिर आगे चंद बातें पेश करने की कोशिश करूंगा उम्मीद करता हूं तमाम भाई तमाम बहन तमाम मुसलमान जो ये खुदबे को सुन रहे हैं जो इसका माना और मतलब और मफरूम समझ रहे हैं इसको खुद भी याद करेंगे अपने बच्चों को याद दिलाएंगे अपने दोस्तों को अड़ोस पड़ोस को घर वालों को खानदान वालों को याद दिलाएंगे जनाबे मोहम्मद चौदह सौ पैंतीस से चौंतीस साल पहले ये खुतबा कहा करते थे ये जनाबे मोहम्मद के चुने हुए अल्फाज है ये जनाबे मोहम्मद के अल्फाज है जो उन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को दिए हैं आ कैसे इसका माना होता है बेशक बेशक तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। खुदबा शुरू किया जा रहा है किससे मायना क्या है बेशक हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है ये सूरज रोशनी दे रहा है तारीफ इसके लिए नहीं हो सकती ये सूरज के अंदर रोशनी तब तक नहीं आ सकती जब तक रब का हुक्म ना हो यह ठंडी हवाएं जो हमें महजूस कर रही है इसकी तारीफ बयान नहीं की जा सकती इसके अंदर तासीर नहीं आ सकती जब तक के रब का हुक्म ना हो हम अपने अपने पर तारीफ़ करते हैं ना ये एक बड़े जबरदस्त इंजीनियर है भाई ये बड़े अच्छे डॉक्टर है तारीफ़ होती है लेकिन एक मखसूस तारीफ़ होती है हर तरह की तारीफ़ नहीं कर सकते उसके लिए वो अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो अच्छा शोहर होना जरूरी नहीं अच्छा शोहर होगा तो वो अच्छा बाप होना जरूरी नहीं कुछ ना कुछ तो खामी होगी इनमद हर तरह की तारीफ सिवाय अल्लाह के और किसके लिए नहीं की जा सकती हर तरह से चाहे किस एंगल से आप ले लीजिए तखलीक करने के लिहाज से ले लीजिए बनाने के लिहाज से ले लीजिए पैदा करने के लिहाज से ले लीजिए दुनिया चलाने के लिहाज से ले लीजिएगा सिस्टम के लिहाज से ले लीजिएगा दीन इस्लाम को अल्लाह ने पसंद किया वो पसंदीदा दीन के हिसाब से ले लीजिएगा आप जिस

तमाम लोग जितने यहाँ पर मौजूद है मस्जिद के अंदर ये जितने लोग महफिल में मौजूद है नहमदू उसकी तारीफ बयान करते हैं हम सब लोग उसकी तारीफ बयान करते हैं अहमद हू का माना होता है मैं तारीफ बयान करता हूँ नहमदू का माना होता है हम तमाम तारीफ बयान करते हैं खतीब कहता है नहमदू हम तमाम उसकी तारीफ बयान करते हैं वो और उससे इसते तलब करते हैं मदद तलब करते हैं अल्लाह खुतबे के अल्फाज के अंदर अल्लाह की तारीफ के बाद जो सबसे पहला जुमला चुना गया वो जुना जुमला है मदद का हम तमाम उसी से मदद तलब करते हैं उसके अलावा किसी और से मदद तलब नहीं करते हम हमारी जो हाज़तें हैं उसके सामने रखेंगे हमारी जो मिन्नतें और मुरादें हैं हम उसके सामने रखेंगे उसके अलावा किसी और से हम मदद तलब नहीं करेंगे एक अहम नुकता बयान करता हुआ आगे चलो नस्त से सूरत का मामला है ना सूरत लोग कहते हैं सूरत इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए इमाम के पीछे सूरत नहीं पढ़नी चाहिए अकेले नमाज हो तो पढ़ सकते हैं आपको मैं बताऊं यह सूरतुलफाते के अंदर खुद दलील है कि इमाम के पीछे सूर फातहा पढ़ी जानी चाहिए अल्लाह अकबर कैसे आइए देखिए सेगा होता है एक वाहिद का और एक जमा का सेगा जमा का नस्ताइन सेगा है जमा का हम तमाम मदद मांगते हैं ईया का ना व ईया का नस्ताइन हम मदद मांगते हैं हम आप ही की इबादत करते हैं हम आप ही से मदद मांगते हैं मैं का सेगा नहीं है हम का सेगा जब आएगा जब जमात जमा होगी अल्लाह अकबर जमात के अंदर पढ़ने का सबूत सूरह फातिहा दे रहा है कि ईया का व ईया का नस्ताइन हम तमाम अकेले पढ़ेंगे तो अकेले हो जाएगा यहां पर जमा का सेगा लाकर यह बताया गया कि जमात के अंदर भी यह सूर्य को पढ़ाया जा सकता है ईया का व ईया का नस्ताइन गर्ज खतीब कहता है नहमदुहु व नस्ताइनुहु अल्लाहु अकबर हम ए अल्लाह हम तमाम आप से उसी से बख्शिश तलब करते हैं माफी तलब करते हैं नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नाउ बिल् मिन शरूरी अनफना व मिन सज्जी आच आम अलना नाउदी मिन शरूरी अन फसना व मिन सज्जी आच आम अलना हमारे नफसों की शरारतों से हमारे नफसों की शरारतों से और मिन सज्जी आचाम आम अलना बुरे आमाल से गंदे आमाल से गुनाहों से दो चीज़ों से क्या क्या है मिन मन शरूरी अनफना अपने नफसों की शरारतों से और दूसरे है गुनाह के अमाल से गंदे अमाल से नऊजु हम तमाम अल्लाह आपकी पनह में आते हैं अल्लाह अकबर ये खुदब मसनूना का तर्जुमा है नाउज़ बिल्लामिन शुरू अनफिन वमिन सती आम अलना हम पनह में आते हैं अल्लाह आपकी हमारे नफसों की शरारतों से और गुनाह के अमाल से

उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता वमन युजलिल जिसको आप धुतकार दे जिसको आप जलील कर दे उसे कोई हिदायत पर नहीं ला सकता अल्लाह हिदायत कर देना अल्लाह तबारक के हाथ में है ये दिलों को इस्लाम की तरफ फोड़ना रब्बुल के हाथ में है उसके अलावा हिदायत जनाबे मोहम्मद भी अपनी तरफ से नहीं दे सकते चचा अबू तालीफ मरजुल मौत के बिस्तर पर है कह रहे हैं चचा बहुत मदद किया आपने मेरी बहुत हिमायत की मेरी आपने बहुत साथ दिया मेरा आपने बहुत मुश्किलों में साथ दिया चचा एक दफा एक दफा अपनी जबान से ये कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं रब के हुजूर आपकी शिफात करूंगा किसकी किसके हाथ में है हिदायत का देना रब्बे जुलजलाल के

أَلَّا إِلَّا لَا لَا। और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद बरहत नहीं और उसका कोई शरीक और साजी नहीं वो अकेला खालिद है अल्लाह के अमाबाद या अल्लाह की हमद के बाद अम्माबाद का माना होता है इसके बाद फा खैर हदीसी किताब जनाब मोहम्मद अल्लाह की हमद बयान करने के बाद अल्लाह से दुआ करने के बाद ये टुकड़ा हदीस का बयान करते थे खैरुल हदीस किताबुल्लाह लोगों सुनो, सारी बातों के अंदर सारी बातों के अंदर जो सबसे ऊंची, सबसे आला सबसे अच्छी बात कुछ है तो वो क्या है अल्लाह की किताब कलामुल्लाह है फाइन ये अल्लाह का कलाम ये अल्लाह के कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया है ये सारी बातों के अंदर सबसे ऊंचे दर्जे की किताब है याद रख लो फाइन खैर हदीफी किताबल सारे किताबों में सारी बातों में सबसे अच्छी किताब सबसे अच्छी बात वो कुरान मजीद की बात है आज लोगों से कहा जाता है जनाब आपके मंबर पर हम कोई अजीब व गरीब किताब देख रहे हैं ये किताब कौन सी है भाई कहते हैं ये हमारे मौलाना ने लिखी है ये हमारे मौलाना ने लिखी है हम ये पढ़ते हैं इसमें ख्वाब ख्याल की बातें हैं हम उनसे कहते हैं जनाब कुरान मजीद रखिएगा कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िएगा है। कहते हैं जनाब कुरान मजीद समझना तो उलेमा का, का काम है ना कुरान मजीद तो समझना उलेमा का काम है कुरान मजीद को समझने के लिए अट्ठारह उलूम की जरूरत होती है वो अट्ठारह उलूम सीखेंगे तो कुरान मजीद को समझेंगे मैं जानता हूँ इल्मी नुक्ता है आपको भी पता होना चाहिए अरबी जबान में कुरान मजीद को समझने के लिए इम होना जरूरी है अरबी जबान की अरबी जबान का काम होना जरूरी है लगातुल का इलम होना जरूरी है ज़बान अरबी जबान से आपको वकफियत होना जरूरी है लेकिन भला बताइए भला बताइए ये जो तर्जुमे किए गए हैं किन लोगों के लिए किए गए अरबी से उर्दू में अरबी से इंग्लिश में अरबी से तेलुगु में अरबी से ऐसे हजारों में तर्जुमा किया जा चुका है वो किन लोगों के लिए किया गया है नहीं नहीं अमा को तर्जुमे की जरूरत नहीं वह बिना तर्जुमा कुरान मजीद को समझ सकते हैं जान सकते हैं तर्जुमा किया गया है उन आम लोगों के लिए जो अरबी जबान से

हर खुतबे में ये पढ़ा जाता है हर खुतबे में यह हर खतीब पढ़ता है कि

रखो तुम्हारी नमाज जनाजा हो तो नबी के तरीके पर हो तुम्हारा उठना बैठना हो तो नबी के तरीके के मुताबिक हो तुम्हारा खाना पीना हो तो नबी के तरीके के मुताबिक हो तुम्हारा सोना जागना हो तो नबी के तरीके के मुताबिक हो क्यों क्योंकि वो तरीका सारे तरीकों में सबसे अफजल और अच्छा तरीका है अल्लाह लोग कहते हैं हम हनफी है हनफी तरीके पर चलेंगे लोग कहते हैं हम शाफई है हम शाफई तरीके पर चलेंगे चलिए जनाब कौन रखते हैं लेकिन नबी ने कह दिया Allah, huda, huda तरीके तो थी अपने, अपने सबके हैं लेकिन सबसे अच्छा तरीका सबसे बेहतर तरीका सबसे अफजल तरीका अगर किसी का है तो वह जनाबे मोहम्मद वसलम का तरीका ये खुदब मसनूना है अब के बाद जब भी कतीब या अरबी अल्फाज दोहराएगा तो तर्जुमा जहन में आना चाहिए तब फायदा होगा ये हर खुतबे में सुनाने का मकसद ये है कि ये दीन की बुनियादों में से एक बुनियादी तस्वुर इसमें दिया गया है ये सारे खुतबे के अंदर तोहिद के पैगाम के साथ साथ रिसालत का पैगाम दिया गया है इतबा सुन्नत का पैगाम दिया गया है ये सारे खुतबे के अंदर ये खुतबा समझ जाएंगे इनशाला उम्मत सुधर जाएगी इनशालाजीज अल्लाह के नबी बार बार ये खुतबे को कहकर हमें समझाए हैं सीधे बैठ जाइए फैन खैर किताबुल्ला وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الله اكبر देखिएगा आप क्या कह रहे हैं وشر الامور محدثاتها अभी पहले टुकड़े में फाइन खैर हदीस की बात हुई अब यहां पर शर की बात हो रही है सारे बातों के अंदर सबसे खैर भलाई सबसे अच्छी बात कुरान की बात सबसे अच्छा तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका और इसके बाद कह रहे हैं वह शर्रमूरी महदसातू है वह खुल्ला महदसत आ लोगो सुनो ये सारे बातों के अंदर ये सारी बातों के अंदर सबसे बुरी बात सबसे गंदी बात अगर कुछ है तो वो ये है कि दीन के अंदर नई बात को निकालना अल्लाह दीन के अंदर नई बात की ईजाद करना

करो लोग कहते हैं साहबा ने माइक इस्तेमाल नहीं किया था तुम भी ना करो बात यहाँ पर क्या हो रही है वह शर्रमोरी महदसातु दीन के अंदर जो कोई भी बात नहीं ईजाद की जाएगी जो अल्लाह ने नहीं कही जो जनाब मोहम्मद ने नहीं कही और जिस पर सहाबा का जमाना हो यह तीन चीजों के अलावा जो कोई भी बात दाखिल की जाएगी जो कोई भी बात आएगी वह वो महदसातु बात कुल्लात है कुल है कुल्लू जलालतार ये बिदाते जो जलालत और गुमराही है ये सारी गुमराह या फिनार जहन्नम में जाने वाली है करो जो मन में आए करो जो मन में आए कोई फातिहा के नाम से बिदात निकाला है लोगों को फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम फातिहा पे बहस कर रहे हैं लोगों को फातिहा का मतलब नहीं मालूम कह रहे हैं ना फातिहा ना दरूद मर गए मरदूत ना उजुबिल्ला हम कहते हैं हम हदीस जब मरते हैं तो हमारी नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ी जाती है तुम्हारी नहीं अल्लाह अकबर हम पढ़ते हैं बे फातिहा हमारी नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ते हैं हम जो हमेशा जिंदगी भर फातिहा देते आए उनकी नमाज जनाजा में फातिहा नहीं होती ये तो मुहावरा आपके ऊपर आया पूरा गर्ज कहने का मकसद ये है ये बिद जो दीन को खोखला कर देने वाली है याद रख लीजिएगा विदात का मुख्तर डेफिनेशन आपके सामने रखकर अपनी बात को खात्मे की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा वो ये कि दीन के अंदर नई बात सीधे बैठ जाइए ऐसे बैठने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है ये जुमे के आदाब है याद रख लीजिएगा जुमे के आदाब में जो मना करदा चीजें हैं वो ये हैं कि लोग लोगों की गर्दनें भलांग करना है। लोगों को बड़ा शौक होता है सबसे आखिर में आते हैं पहली सफ़ा फोन आकर बैठना चाहते हैं लोगों की गर्दनों को फलांग फलांग कराते हैं अल्लाह के नबी ने कहा एक साहबी आए लोगों के गर्दनों को फलांग फलांग कर हटा हटा कर अल्लाह के नबी ने कहा कि वहीं बैठ जाओ तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हो जायज़ नहीं है खुतबे के अंदर कि खुतबा चल रहा हो और आप लोगों को हटा हटा करा रहे हो नहीं आ सकते नंबर एक नंबर दो आपके सामने कोई चीज पड़ी होगी कोई जानी मास का तागा पड़ा होगा आपके मोबाइल आपके हाथ में मोबाइल होगा कोई चीज पेन होगा आपके हाथ में कोई कंकरियाँ होंगी अगर आप खुदबे के दौरान उनसे खेल रहे हैं तो आपने खुतबे का हक अदा नहीं किया आपने लघु काम किया नहीं खेल सकते आप दो चीज़ें मना है तीसरी चीज मना यह है घुट बैठ कर बैठना मना है घुट बैठ कर दो घुटनों को ऊपर उठाकर अपने हाथों को ऐसे बांध कर बैठना दो घुटनों को ऊपर उठाकर अपने हाथों को ऐसा कर कर बैठना जुमे के दिन मना किया गया जुमे के आदाब में से याद रख लीजिएगा इससे बचने की जरूरत है ये सारी चीजें आज मुसलमानों को मालूम नहीं एक रस्मी तौर पर हम चल रहे हैं बस ये जुमे के आदाब नहीं मालूम ये जुमे का माना मतलब नहीं मालूम हमें खुतबे सुनते चले जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं वो भेड़ बकरियों का मामला हो गया उन्हें मालूम नहीं होता कि उन्हें वहां पर क्यों ले जाया गया है फिर वापस क्यों लाया गया है वो वहां पर क्यों गए थे फिर उन्हें वापस क्यों लाया गया उन्हें मालूम नहीं होता ऐसा ही मसला हमारा हो चला है कि हम आ तो रहे हैं हम बैठ तो रहे हैं हम वक्त तो दे रहे हैं हम वाज तो सुन रहे हैं नसीहत भी सुन रहे हैं खुतबा भी समाज फरमा रहे हैं लेकिन मकसद क्या है वो खुतबा समाज फरमाने का माना क्या है मकसद क्या है वो हम यहां पर आकर बैठे हैं ये भूल चुके हैं रस्मी तौर पर फॉर्मेलिटीज बस आना है तो बस एक आना है और कुछ भी नहीं खैर कह रहा था बिदात कहते हैं ऐसी चीज को जो तीन जगह से ना पाई जाए नंबर एक कुरान के अंदर ना पाई जाए नंबर दो हदीस के अंदर ना पाई जाए नंबर तीन साहबा के दौर में ना पाई जाए ये तीन चीज़ों में तीन जगहों पर वो चीज़ ना पाई जाए और इसके बाद वाले इसके बाद वाले कोई दीन का अमल कर रहे हो दुनिया का नहीं तीन का अमल कर रहे हो और ये कह रहे हो कि ये अमल करने से स्वाब मिलेगा इसको बिदात कहते हैं इसको बिदात कहते हैं याद रख लीजिएगा जिस तरह से नबी ने हमें तरीक़ा सिखाया उसके अलावा कोई और तरीका हम इख्तियार नहीं कर सकते जो नमाज का तरीक़ा है एक रकात में हम एक क्याम करते हैं एक रुकू करते हैं दो सजदे करते हैं अगर कोई भाई ये कहे रुकू करना अच्छी बात है एक रकात में एक रुकू के बजाय दो रुकू कर लेंगे सबाब ज्यादा हो जाएगा बिदात हो जाएगी बिदात हो जाएगी नहीं ऐड कर सकते ना ऐड कर सकते हो और ना निकाल सकते हो ना कमी कर सकते हो और ना ज्यादा कर सकते हो ज्यादा करेंगे बिदात कहलाएगी कमी कर देंगे दीन के आप चोर हो दीन के अमाल के आप चोर हो जाएंगे आपने अदल से काम नहीं लिया दीन के अंदर आपसे सवाल किया जाएगा इसके मामले में गज ये खुदब जुमा का मुख्तर तुजु आपके सामने मफूम कह रहा था व ये खुदब मसनूना ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يخطب خطبه مسنون इंशाल्लाह इसका तर्जुमा याद करने की कोशिश कीजिए इसके माना और मसलब पर ध्यान दीजिए मालूमात करने की कोशिश कीजिए कि क्यों आकर अल्लाह के, अल्ला के नबी ने यह ख़ब जुमा को रखा इसके अल्फाज पर गौर कीजिए एक एक जुमले पर ग़ौर कर कर इसके सबक सीखने की कोशिश कीजिए आइए खुतब के आखिर में एक सात आठ पॉइंट्स आपको खुदब जुमह के तल्लु से मैं समझाने की कोशिश करूँगा जो आज उम्मत नावाकफ़ है आज हमारे पास जुमे की अहमियत दिन बदिन घटती चली जा रही है घटती चली जा रही है इंसान अपनी मसरूफियात में अपनी जिंदगी के रोजे मरल के जिंदगी में इस तरह मशगूल हो गया कि वो जुमे की अहमियत को दिन ब दिन घटाता चला जा रहा है आइए सबसे पहले ये जो जुमा है जुमे के तल्लु से अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसोल फरमाते हैं कि जुमा फर्ज है जुमा फर्ज है हर उस शख्स पर जो अल्लाह पर और रोज आखिरत पर ईमान रखता हो जुमा फर्ज है हर उस शख्स पर जो अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर यानी हर मुसलमान पर हर मुसलमान पर जुमा फ़र्ज है जितने मुसलमान हैं सिवाए पाँच तरह के लोगों के पाँच ऐसे कस्म के लोग हैं जिन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं हर मुसलमान पर जुमा फर्ज है नंबर एक ऐसा मरीज़ जो चल फिर ना सकता हो बहुत मरीज़ की हालत में हो बिस्तर पर हो ऐसे मरीज़ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है नंबर दो औरतों पर जुमा फ़र्ज नहीं है अगर वो आना चाहती है तो आ सकती है उन पर फर्ज नहीं वो जोहर की नमाज घर में अदा कर सकती हैं। नंबर तीन नाबालिग बच्चों पर जुमा फर्ज नहीं है जो नाबालिग बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उन पर जुमा फर्ज नहीं है और मुसाफिर पर चौथे नंबर पर मुसाफिर अगर आप कहीं पर सफर पर निकल गए सफर में हैं आप तो सफर में जुमा पढ़ना आप पर फर्ज नहीं आप जहर की चार रकात फर्ज नमाज पढ़ेंगे और पाँचवें नंबर पर है ग़ुलाम ग़ुलाम जो होते हैं आजकल ग़ुलाम का सिस्टम नहीं है हमारे हैदराबाद के अंदर गुलाम का सिस्टम ख़त्म हो चला है तकरीबन सऊदी अरेबिया में भी चंद जगहों पर है लेकिन यहां पर से तो बिल्कुल ख़त्म हो चला है जो गुलाम होते हैं जिनको ख़रीद लिया जाता है हमेशा के लिए वो ग़ुलामों पर जुमा फ़र्ज नहीं है ये पांच लोगों के अलावा सारे मुसलमानों पर जुमा फ़र्ज है याद रख लीजिए और जिन लोगों पर जुमा फ़र्ज नहीं है वो लोग अगर बालिग है अगर वो पाक है तो उन्हें जरूरी है कि वो चार रकत जोहर की नमाज अदा करें चार रकत और इसके अलावा एक और मसला है हम याद रख लीजिएगा अगर जुमे के दिन ईद उल उजा या फिर ईद उल ईदालफित्र आ गई जुमे के दिन ईद उल ईदालफर या ईद उल अजहा आ गई और आपने ईद की नमाज अदा की तो आप पर जुमा फर्ज नहीं है आप चाहे तो जुमा पढ़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं चार रकत फर्ज पढ़ लेंगे तो भी काफी हो जाएगा ये जुमे के मामले में मसला है और इसके अलावा जुमा जुमे के दिन अबू थी खुदी रज्ला तुम कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है वो कहते हैं कि जितने बालिग है मुसलमान जितने बालिग मुसलमान हैं बालिग जो हो चुके हैं जो जवान हो चुके हैं वो सारे बालिग लोगों पर सारे बालिग मुसलमानों पर जुमे के दिन गसल वाजिब किया गया है जुमे का गसल वाजिब किया गया है कई लोग क्या करते हैं मालूम है आपको जमेरात को गसल कर लेते हैं जुमे के दिन में गसल कर लेते हैं और कहते हैं कल तो हम बहुत ज्यादा मसरूफ़ रहेंगे लिहाजा एक दिन पहले गसल कर लेंगे आज का गसल कल चला लेंगे नहीं ऐसा नहीं चलेगा मसला यह है कि जुमे का दिन लग जाएगा तो आप गसल कर लीजिए बेहतर है आपके लिए जुमे के दिन का गसल आपके लिए और ख़ास तौर पर नमाज के लिए जब आ रहे हैं उस वक्त का गसल बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्हम फरमाते हैं अगर कोई शख्स अच्छी तरह से गसल करे अच्छी तरह से तहारत ले अच्छी तरह से पाकि सफाई हासिल करे और उसके पास जो अच्छे कपड़े हो वो पहन कर आए जो अच्छे कपड़े हो आज मामला क्या है हमारा हमारा बड़ा अजीब गरीब मामला है भाई दीन इस्लाम को अहमियत नहीं मस्जिदों को अहमियत नहीं वलीमे में जाना हो ऑफिस जाना हो बड़े तैयार होकर सच कर आते हैं और मस्जिद को आना हो तो ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन कर आते हैं अच्छा दावत में जाओगे क्या ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन कर अल्लाह के नबी कहते हैं जुमे के दिन अच्छे कपड़े पहनो अच्छी तरह से तहारत लो और तुम्हारे पास जो अच्छे कपड़े हो मुहैया वो पहन लो और तुम्हारे घर में जो खुशबू हो अच्छी वो अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करो वो खुशबू लगाकर मस्जिद को आ जाओ और खतीब के खुतबा देने से पहले जितनी तुम्हारी ताकत है नवाफिल पढ़ते जाओ इबादत जिक्र अस्कार करते चले जाओ और इसके बाद जब खतीब खुतबा देने के लिए मेंबर पर आ जाए तो बिल्कुल खामोशी के साथ एहतराम के साथ उसका खुतबा आराम से समात फरमाओ जब तुम पूरा खुतबा समात फरमाओगे नमाज दो रकत अदा कर लोगे तो अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसा अमल करने वाले शख्स के पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक के गुनाहों को माफ कर दिया तो मुश्किल में आ रहे हैं नहीं एकदम खुलासे दिल से अमाल होंगे तो फायदा होगा दिलों में तंगी रखकर बोझ समझ करेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा याद रख लीजिए और इसके अलावा और इसके अलावा जुमे के दिन आने के जो सवाबात लिखे गए हैं वो सवाब इस तरह से है कि अगर कोई शख्स जुमे की पहली पहली नशस्तों में मस्जिद में दाखिल हो जाएगा या एक हो दस हो या सौ हो पहली नशस्त शुरू शुरू के वक्तों में जो सबसे पहले मस्जिद में पहली नशस्तों में दाखिल होंगे उन तमाम लोगों के लिए रब़़ुलजल एक ऊँट जुबाह कर कर अल्लाह की राह में कुरबान करने का सवाब देंगे अल्लाह और इसके बाद की निशिस्तों में जो आएंगे एक गाय अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब दिया जाएगा और इसके बाद की निशिस्तों में जो मस्जिद में दाखिल होंगे उनके लिए एक मेंढा एक बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान कर कर बांटने का सवाब मिलेगा और इसके बाद की निशिस्तों में जो आएंगे वो निशिस्तों वालों को एक मुर्गी काटकर अल्लाह के राह में खैरात करने का सवाब मिलेगा और जो सबसे आखिरी की निशिस्तों में आएंगे उन्हें एक अंडा अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब दिया जाएगा आज मामला बड़ा अजीब है अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब जुमे का दिन आता है तो जुमे के दिन अल्लाह तबारक वाले ख़ास फरिश्तों का नजूल करते हैं अटेंडेंस वाले फरिश्ते अटेंडेंस लेते हैं अटेंडेंस होती है ना ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाते हैं पंचिंग करते हैं ना स्वाप करते हैं साइन करते हैं ना इतने बजे इंटर हुआ मैं अगर वो पंचिंग नहीं रहेगी तो उस दिन की सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी कट हो जाएगी उस दिन की सैलरी इसी तरह से स्कूल में अटेंडेंस ली जाती है ऐसेंट है रीजन देना होगा क्यों एब्सेंट थे पूछा जाएगा आपसे स्कूल के अंदर इसी तरह से जुमे के दिन भी गेट पर मस्जिद की फरिश्ते बैठ खड़े होते हैं हाथ में रजिस्टर लिए हुए जो जो बंदा दाखिल होता है उसका नाम लिखते जाते हैं चलो अब, अब अब्दुल्ला भाई आ गए चलो अब मोहम्मद भाई आ गए चलो अब, अब अब्दुलरहमान भाई आ गए सबकी हाजिरी डाली जाती है अल्लाह के नबी कहते हैं लोगों सुनो जब वो फरिश्ते मुअज्जिन की अजान सुनते हैं जब खतीब मेंबर पर आ जाता है तो वो फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करते हैं और सफ़ों में खुतबा सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं अब भला बताइएगा खुद शुरू हो चुका है शुरू कर चुका है सफा में फरिश्ते बैठ चुके हैं अब इसके बाद जो लोग आएंगे उनकी अटेंडेंस पड़ेगी हाजिरी आएगी जुम्मे का मुआवजा मिलेगा शक्ल में नहीं नहीं सवाल किया जाएगा जनाब कहाँ पर थे आप? आपके तो सौ जुमे गैब है आपकी जिंदगी में से हाँ अरे मैं तो आया था आ, पर देखिए अटेंडेंस आपकी एबसेंट लगी है इसमें आपकी एबसेंट लगी है मेरे साथियों ये जुम्मे को थोड़ा अहमियत दो ये जुमा को थोड़ा अहमियत दीजिए ये जुमे की हमारी अहमियत खत्म होती चली जा रही है साहब कराम इतनी अहमियत देते जुमे की रात से जुमे की तैयारी शुरू कर देते अल्लाह अकबर जुमे की रात से पूरा प्लान करते कल क्या करना है फिर कैसा होना है जुमे में पहले जाना है फिर ये कपड़े पहनेंगे फिर क्या करना है हमारा मामला बड़ा अजीब है जुमे के दिन फजर नहीं जुमे के दिन 10 11 बजे बिस्तर से उठ रहे हैं पानी नहाकर घर में एक से ज्यादा लोग पानी नहाते हैं हमाम बिजी होता है कब आते हैं जनाब जब जमात का वक्त हो चला जाता है ऐसे दौड़ते दौड़ते आते हैं कि बड़ा फर्ज अदा कर रहे हैं अल्लाह नहीं भाई थोड़ा जुमे को अहमियत दीजिए क्यों ये जुमे के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी वईद बड़ी वईद सुनाई है वो ये मुस्लिम के हदीस अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला अलैहि वसल्लम कहते हैं लोगों तुम जुमा को छोड़ने से बाज आ जाओ जुमा को छोड़ने से तर्क करने से बाज आ जाओ वरना तबारक ताला तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा और तुम गुमराहों में से हो जाओगे अल्लाह अकबर ये जुमा को छोड़ना यह गुमराहों की अलामत है ये दिल पर मोहर लगने वाली बात है और इसी तरह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्ह् वसम जो इतने शफ़ीक इतने रहीम के लोगों पर इतनी रहम करते इतनी शफक्त करते कि अपने चचा हमजा रजी अल्लाह तु के कतिल जब सामने आए फतेह मक्का में कहा जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ वो कांटे बिछोने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ वो कचरा डालने वाले को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अपने खाने में पत्थर डालने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अपने सर पर अपने कंधों पर ऊँट की गंदगी इलाके डालने वालों को कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ मार मार कर लहुलहान कर दिया कहा कि जाओ मैं आलमीन बनाकर भेजा गया हूं के है। वो कहते है, ए लोगो सुनो मैंने इरादा किया है मैंने इरादा किया है नमाज पढ़ाने के लिए किसी को मुखर कर दू जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए किसी और को मुखर कर दू और मैं उन लोगों के घरों को जाऊं जो जुमा की नमाज के लिए घरों से नहीं आते उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूं अल्लाह अकबर ये रहम करने वाले नबी की अल्फाज सोचिए कितनी वईद होगी जुमा की बड़ा अजीब मामला है भाई हमारा जुमे की अहमियत हमारे पास खत्म होती चले जा रही है याद रख लीजिएगा अगर ये जुमे का सही इस्तेमाल हो जाए ना ये जुमे का सही इस्तेमाल खुद खतीब अच्छा इस्तेमाल करे और इसमें शामिल होने वाले अच्छा इस्तेमाल करे तो मैं कहता हूं मैं कहता हूं ना संडे को अलग प्रोग्राम करने की जरूरत है ना कोई दावा सेंटर की जरूरत है ना कोई अलग प्रोग्राम करने की ज़रूरत है हर मस्जिद से हर खतीब अपना फ़र्ज़ अदा करेगा सुनने वाले अच्छी तरह से सुनेंगे तो याद रख लीजिए अलग से प्रोग्राम्स प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से जलसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए तो तो ये 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 जुमा जुमा बनाया गया है। तो ये जुमा रखा गया है है इसीलिए रखा आपके आपके मेरे लिए ये लिए लिए और जुमे के फर्ज कर दिया गया है कि आप जुमे के दिन कारोबार कर सकते हैं मस अला सुनिएगा सुर जुम्मे पढ़ लीजिएगा आप जुमे के दिन कारोबार कर सकते हैं इसमें कोई कबाहत नहीं लेकिन जब अजान दी जाए जुमे की तो अपने कारोबार को तर्क कर, कर फॉरिन मस्जिद को आना होगा अगर आप तर्क नहीं करोगे कारोबार तो फिर आप ये जुमा छोड़ने वालों में शुमार किए जाओगे ये फर्ज किया गया है कि हम कारोबार को छोड़े अच्छा आपको एक अहम मसला बताता हूं यह सूर्य जुमा के अंदर कारोबार छोड़ने की बात हुई है सिर्फ कारोबार तुम्हारा बिजनेस छोड़ दो और आ जाओ जुमे को सिर्फ कारोबार छोड़ने की क्यों आपको पता होना चाहिए इंसान की सारी मशगुलियात में सारे कामों के अंदर जो बिजी होता है वो सबसे ज्यादा बिजी अपने जॉब अपने काम अपने बिजनेस अपनी तिजारत में होता है सबसे ज्यादा बिजी और वो सारे बिजी कामों के अंदर सबसे ऊंचे बिजी काम को रखकर कहा गया है कि इतना ऊंचा बिजी काम है तो भी छोड़ना पड़ेगा इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं वो तो तस्करा ही नहीं किया गया वो तो छोड़ना ही छोड़ना है सब छोड़ के आना है नहीं भाई जरा थोड़ा दस मिनट का एक अहम काम है वो कर लेकर आ जाऊंगा फरिश्ता आकर बैठ जाएगा सफोन के अंदर अटेंडेंस की रजिस्टर नहीं पड़ेगी आइए आखिर में दो मिनट और लूँगा आप लोगों के एक्चुअली ये जो हदीस मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ ये हदीस आज के मेरे नवान से रिलेटेड नहीं लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जब यह हदीस पढ़ा जब इस पर तहकीक हुई तो अलहमदिल्ला यह हदीस हसन दर्जे से सही साबित हुई माशाल्लाह और यह हदीस अल्लाह अकबर मैं क्या कहूँ आपको यह हदीस के अंदर जो आई है इसमें अक्सर और बेशर लोग मुलविस नजर आते हैं इसीलिए से हटकर आपको हदीस सुना, नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, के सुने और आप चले जाए यह हदीस सुनकर अमल नहीं करेंगे तो फिर यहां से आपसे पूछ होने वाली है अल्लाह अकबर यह हदीस अबू हुर से रिवायत अबू दाऊद की हदीस है सलाह के अंदर सलाह अबू हुररा रजी अल्लाह तुस्त के रावी है वो कहते हैं हम मस्जिद में बैठे हुए थे एक शख्स आया एक शख्स आया और आकर नमाज पढ़ने लगा वजू कर नमाज पढ़ने लगा अल्लाह के नबी ने, ने कहा कि दराव वो शख्स आया कहा जाओ फिर वजू कर कर आओ वो शख्स गया फिर वजू किया फिर आया अल्लाह के नबी ने, ने देखा कहा जाओ फिर वजू कर कर आओ वो शख्स फिर गया फिर वजू कर कर आया अल्लाह के नबी ने कहा जाओ वजू कर कराओ। जब वो शख्स गया एक दूसरे साहबी बैठे थे कहा ए अल्लाह के नबी ए अल्लाह के नबी वजह क्या है क्या रीजन है आप उसे बार बार वजू के लिए दोबारा भेज रहे हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद ने फरमाया ऐ वो शख्स शख्स सुन, अल्लाह व ऐसे की नमाज को कबूल नहीं करता ऐसे शख्स की नमाज को कबूल नहीं करता जिसका कपड़ा टकने से नीचे लटकता हो अल्लाह अकबर कबूल नहीं होती जनाब वजू भी नहीं होता आप जिन कपड़ों को लटका कर वजू कर रहे हो वो वजू भी नहीं होता और वो कपड़े लटके हुए वजू से नमाज भी नहीं होती नहीं पड़ेगी अल्लाह पर अल्लाह के नबी ने अमल कर कर बताया दाऊद की, की हदीस है आज मामला क्या है सुन्नत वाल हम सुन्नतों पर अमल करने वाले ये एक हदीस के तनाजुर में देख लीजिएगा ये हदीस की एनक लगा कर देख लीजिए अहल सुन्नत वाल जमात है कि नहीं अहल है भाई हम सीना ठोक कर, कर कहेंगे करो फख्र अच्छी बात है करना लेकिन ज़रा एक हदीस के एनक अपने आंखों पर लगाओ और देखो क्या मैं सही में हदीस हूं कि भी नहीं क्या सिर्फ जबानी दावों से काम चलेगा हम जमात इस्लामी हैं जनाब इस्लामी तालीम पर अमल करने वाले ये एक हदीस लगाइएगा ये हदीस के एनक लगाइएगा अपनी आंखों पर और देखिएगा कि क्या नमाजें कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही है अल्लाह अकबर तर। किस तरफ हमारी जिंदगी जा रही है क्या करना चाह रहे हो क्या मकसद है हमारी जिंदगियों का क्यों भेजा गया है उम्मत मुस्लिमा को यह सब भुला बैठी है उमत गज़ाल्ल्ला तबारक वाली से मैं दुआ करता हूँ कि जो 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 बातें हक़ और सच कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई है उन पर कहने वाले को सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता के इलाह अल इलामीन हम तेरी बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करते हैं कि इलाह अल लालमीन ला हम इस तरह से अमल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करने का हक़ है लेकिन इलाह अल लाइन हमारे ये टूटे फूटे अमाल को कबूल फ़रमा जो कोई भी बीमार हाल है उनकी बीमारी को दूर फरमा जो कोई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा जो कोई भी कर्ज की मुसीबत में मुबला है उनकी मुसीबत को दूर फरमा इहलमीन जो हमारी बहनें हा, जो हमारी बहनें बग़ैर निकाह के घर में बैठी हुई है इलाहामीन उनके लिए अच्छे जोड़े नसीब फ़रमा इलामीन हम तमाम मुसल उम्मत मुस्लिम के अंदर इतिहाद इतफ़ा पैदा फ़रमा इलामीन जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए सुबह रबी का रबिलाफ़ोन वसलामसिनबमिनकम्तल वबरक मजीद और मुक्रीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला